नमस्कार जोहार रांची, आप सुन रहे रेडियो खांची 90.4 एफएम, हम सबका रेडियो। और हम सबके रेडियो में आप सुन रहे मुझे यानी आरजे रंजन को, और शो लेकर आ गए हूँ बातों बातों में। यूं तो बातों बातों में मैं मिला चुका हूँ कई जाने माने लोगों से, और आज के जो हमारे गेस्ट मौजूद हैं उनकी बातों पे अगर आप ध्यान देंगे, अगर उनकी बातों को आप मानेंगे समझेंगे, तो आप अपने घर, अपने बिल्डिंग, जहां भी रहते हैं, अपने बेडरूम को बहुत सुंदर से सजा सकते हैं, बना सकते हैं। तो बिना देर किए हम मिलवाते हैं आपसे। हमारे साथ मौजूद हैं रंजीत कुमार जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो खांची में। जी नमस्कार। आपको बता दूं लिसनर्स कि रंजीत कुमार इंटीरियर डेकोरेशन एक्सपर्ट हैं, जो कि रीजनल हेड हैं अमेज क्राफ्ट का। सर, सबसे पहले तो आपकी पढ़ाई लिखाई कहां से हुई, आप कहां से बिलोंग करते हैं? सर, मैं बिहार से बिलोंग करता हूं। बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है सिवान। हाँ। जिसको सिवान को इसलिए जाना जाता है कि सिवान हैज गिवन फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मैं उसी जिले से बिलोंग करता हूँ। हाँ। और जॉब के सिलसिले में पहले मैं वहाँ पे था, अभी मैं झारखंड में शिफ्ट हुआ हूँ और आगे यहीं पे कंटिन्यू करूँगा। सर, ये फील्ड जो है इंटीरियर, इसमें कब से आप काम कर रहे हैं? लगभग एक साल से मैं इसमें काम कर रहा हूँ। तो सर, इस फील्ड में रुचि कैसे आई आपकी? क्योंकि ये फील्ड जो है काफी इनोवेटिव फील्ड है। बिल्कुल, इसमें बहुत स्कोप है और इसमें इतना स्कोप है कि इसमें बहुत सारा करियर अपॉर्चुनिटीज भी है। आप अपने साथ बहुत सारे लोगों को जॉब दे सकते हैं। एक वास्ट फील्ड है, ये फील्ड जस्ट शुरू ही हुआ है, और इसमें कोई ऐसा घर नहीं मिलेगा जहाँ पे आपकी जरूरत नहीं है। बिल्कुल सर। सर, ये आपने बताया कि बहुत इनोवेटिव फील्ड है जी, तो आपने ये भी साथ में बताया कि आपने एक साल पहले ज्वाइन किया है जी, तो बचपन से लेकर अब तक इस फील्ड में कभी आपने कुछ भी काम किया है कि हाँ, होता है बचपन में कि आपने कुछ पेंट किया हो या फिर कुछ बना रहे हो कागज का, तो वैसे तो कुछ कुछ करते होंगे? हाँ सर, मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि मतलब मेरी हमेशा से रुचि रही है कि चीजें जो भी आँख के सामने हो उनमें सुंदरता दिखे। बिल्कुल। तो मैंने देखा कि ये जो इंटीरियर वाला काम है, इसमें आप चीजों को सुंदर बनाते हैं, इतना सुंदर बनाते हैं कि आपको हमेशा वो प्लेजेंट लुक देता है। वो किसी चीज का इंटीरियर हो, एक छोटे से रूम का हो, एक बड़े बिल्डिंग का हो, किसी बड़े होटल का हो या किसी बड़े हॉस्पिटल का हो। आप हॉस्पिटल में जाके देखें, आपको आज का हॉस्पिटल नहीं लगता। दिस इज बिकॉज ऑफ इंटीरियर ओनली। इंटीरियर आपने चीजों को इतने अच्छे तरीके से व्यवस्थित किया है, जो स्पेस वहाँ पे अवेलेबल है उसको और ज्यादा स्पेसियस बना दिया है। तो आज के हॉस्पिटल्स बहुत अच्छे होते हैं। तो सर, इंटीरियर जो भी लोग करते हैं, जैसे आप इंटीरियर एक्सपर्ट हैं, तो कैसे लोग हैं जो इस फील्ड में आ सकते हैं, काम कर सकते हैं? मतलब इसके लिए कोई कोर्स करना पड़ता है या फिर कैसे शुरुआत कर सकते हैं? सर, इंटीरियर करने के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो डिजाइनिंग का कोर्स करवाते हैं, उसके लिए एग्जाम्स भी होते हैं। आप उनके थ्रू वहाँ पे जा सकते हैं। अपना कोर्स पूरा करने के बाद बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है बाजार में, मार्केट में इतनी, जैसे आप बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो अपने लिए इंटीरियर डिजाइनर को रखती हैं और काफी अच्छे सैलरी पैकेज पे रखती हैं। तो इसमें यंगस्टर्स के लिए बहुत स्कोप है, बहुत स्कोप है। आप इसमें कहीं से कहीं तक जा सकते हैं। सपोज आपने एक छोटे बिल्डिंग में इंटीरियर डेकोरेशन का काम किया, आपने अच्छा काम किया, तो आप किसी मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग में आपको काम मिला, तो आपने अपने को अपग्रेड कर लिया। फिर कोई बहुत बड़ा अपार्टमेंट, चेन ऑफ अपार्टमेंट बन रहा है, वहाँ पे आपको इंटीरियर काम मिला। कोई बहुत बड़ा मार्केटिंग ऑफिस बन रहा है, बहुत बड़ा मॉल बन रहा है, वहाँ भी आपको काम मिलेगा। तो आप अपने को रोक नहीं पाएंगे, यहाँ पे इतना काम है कि अपने को रोक नहीं पाएंगे। मतलब कि इंटीरियर की जरूरत सब जगह है? सब जगह है आज, अभी और जरूरत ज्यादा हो गई है। तो सर, ऐसा मतलब अभी इंटीरियर डिजाइनर की बात करें तो पहले, कुछ साल पहले तक ये सब ना के बराबर लोगों ने सुना होता या फिर बड़े बड़े शहरों में लोग जानते थे जी कि ऐसा कुछ होता है जी। तो इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? सर, जरूरत इसकी इसलिए पड़ती है कि आज से बहुत साल पहले जब हम लोग नहीं थे, हमारे एंसेस्टर्स थे, तो उस समय हम लोग एक घंटे में दिल्ली की यात्रा नहीं करते थे, क्योंकि हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन का जो जरिया था वो लिमिटेड था, उसमें स्पीड नहीं था, टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं थी। आज हमारे पास स्पीड भी है, टेक्नोलॉजी भी है, और कुछ करने की क्षमता हमारे यंगस्टर्स में भी है। अब आप किसी फील्ड में चले जाइए, हमारे यंगस्टर क्या नहीं कर रहे हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, उनके पास वो क्षमता है। अपना जो इंडिया है उसमें इस तरह से उन लोगों को प्रिपेयर किया जा रहा है कि देख एंड रॉक, आज हो ही रहा है। इसी फील्ड में जाइए आप, आज हमारी जो लड़कियाँ हैं, देखिए सेना में जहाज उड़ाती हैं, बिल्कुल सर, एक बड़े ट्रूप को लीड करती हैं। पहले ऐसा नहीं था, नहीं था। आप याद कीजिए जो अपनी रेस्पेक्टेड किरण बेदी हैं, भारत की शायद पहली महिला आईपीएस थी। उस समय लोग नहीं सोचते थे कि मेरी बेटी भी आईपीएस बनेगी। आज देखिए, आज सोचते हैं, बनती भी है। अगर थोड़ी 10-20
घर का एक मोहल्ला है, एक दो घर में से कोई लड़की कहीं आईएएस है, कहीं आईपीएस है, किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को लीड कर रही है, किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन की रीजनल हेड है, जोनल हेड है, नेशनल हेड है, तो आज आपकी ज़रूरत बढ़ रही है, उस हिसाब से अपने को इक्विप्ड करना आपकी ज़रूरत है, अपने को इम्पावर्ड करना आपकी ज़रूरत है। जैसे पहले हमारे पास जो आर्मी है, इंडियन आर्मी है, उसके पास जो वेपन्स थे, लेकिन आज के जो वेपन्स हैं उनसे ज़्यादा एडवांस है, उनकी मारक क्षमता बढ़ी है, उनकी कैपेसिटी बढ़ी है। तो जैसे जैसे टाइम क्रॉस करेगा, आपकी अपने को एडवांस करने की ज़रूरत बढ़ती जाएगी। पहले क्या था, पहले इंटीरियर में बहुत कुछ नहीं था, लिमिटेड लोगों के पास था। आज क्या है, अगर आप अपने घर का इंटीरियर करवाते हैं तो आपके घर का एटमॉस्फेयर ही चेंज हो जाता है ना। जब आप घर में इन करते हैं, अब खुले में तो इंटीरियर हो नहीं सकता है, तो घर में इन करते हैं तो आपको पीस मिलता है, आँखों को शांति मिलती है। अगर बाहर से कोई काम करके आ रहे हैं, अगर कूल एटमॉस्फेयर मिलता है तो आप रिलैक्स फील करेंगे, आपको आप एकदम इतना रिलैक्स फील करेंगे कि आपको लगेगा नहीं कि हम अनकम्फर्टेबल हैं, कम्फर्टेबल फील कीजिएगा। तो दिस इज नीड ऑफ आवर, आज समय की ज़रूरत है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एमएस क्राफ्ट क्रिएशन प्राइवेट लिमिटेड जो है वो एफोर्डेबल प्राइस पे सब जगह इंटीरियर का काम उपलब्ध कराती है, और हम लोग इंटीरियर का जो डिज़ाइनिंग होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। अगर आपको अपना इंटीरियर करवाना है, आपने हमको कॉन्टेक्ट किया, तो डेफिनेटली हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपका जो भी डिज़ाइनिंग होगा वो देंगे। इसके लिए लोगों को पे करना पड़ता है, तो हमने आपके इकोनॉमी को यहाँ पे सेव किया। कुल मिला के आप कहना चाह रहे हैं कि यहाँ कोई भी इंटीरियर डिज़ाइन करवा सकता है, डेकोरेशन करवा सकता है, और ये इजिली अवेलेबल है। इजिली अवेलेबल है, और ये नहीं सोचना है कि ये बहुत महंगा है। ऐसी बात नहीं है, हाँ ये बात इसलिए सही है कि बहुत ज़माने पहले से लोग सोचते हुए आ रहे थे कि नहीं इंटीरियर बहुत महंगा होगा, लेकिन आज नहीं है। आज आप अपने बजट में इंटीरियर करवा सकते हैं, और अपने घर को एक बहुत डिसेंट लुक दे सकते हैं। आप तो अच्छा, आपको तो अच्छा लगेगा ही, जो विजिटर आपके पास आएंगे वो भी अप्रिशिएट करेंगे, नहीं बहुत सुंदर लग रहा है। तो ये आप एफोर्डेबल प्राइस पे करवा सकते हैं, और एमएस क्राफ्ट ये काम करती है। सर अभी देखा जाए तो माहौल फ्लैट कल्चर का है, तो अगर एक फ्लैट है 2 BHK, उसको इंटीरियर डिजाइन करवाने में कितना खर्च पड़ सकता है एक आम फैमिली के लिए देखा जाए? जी देखिए सर, ये जो खर्च होता है ना, ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह का मटेरियल यूज करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर 2 BHK का फ्लैट है तो आपके पास 2 ही रूम है, एक उसमें डाइनिंग हॉल होगा, एक किचन वाला स्पेस होगा जो आप यूज में रखते हैं हमेशा। तो आपके पास जो जितना स्पेस अवेलेबल है उसको और स्पेसियस अगर बनाने का कोई काम करता है तो दैट इज इंटीरियर डिजाइनर। आपकी उसी स्पेस को वो ज्यादा कर सकता है, क्योंकि दीवार फिक्स है, उसको आप हटा नहीं सकते। लेकिन इंटीरियर में जो रैक्स बनते हैं, जो वार्डरोब्स बनते हैं, जो सेल्फ बनते हैं, जो शोकेस बनते हैं, वो आपके बहुत सारे चीजों को एडजस्ट कर लेते हैं। मतलब उस 2 रूम के स्पेस में आपको बहुत सारा स्पेस मिल जाएगा, पहला तो एडवांटेज ये होता है। दूसरा एडवांटेज, किसी भी जगह को इंटीरियर ब्यूटीफाई करता है, उसके लुक को बहुत अच्छा कर देता है। तीसरा फायदा ये है, जो लोगों के मन में था कि हम काफी कॉस्ट देके इंटीरियर कराना पड़ेगा इसलिए नहीं करेंगे, अब वो बात नहीं है, आपके बजट में आपका इंटीरियर होगा, इसकी हम गारंटी दे सकते हैं। अब आते हैं आपके सवाल पर। सर आपने पूछा कि 2 BHK का फ्लैट है तो उसमें कॉस्ट कितना? तो मैं आपको यहाँ पे ये कहना चाहूँगा, 2 BHK मेरा मानना है कि 1000 square feet के आसपास रहता है, कारपेट एरिया जो रहता है, तो ये 3 लाख से लेकर के लास्ट लिमिट आई एम नॉट सेइंग, बिकॉज वो आपके सिलेक्शन ऑफ थिंग्स पे है। 3-3.5 लाख में एक नॉर्मल इंटीरियर आप करवा सकते हैं, जिससे आपका काम चल जाएगा। अगर आपने उसमें ये कन्फर्म कर दिया कि नहीं मुझे ये चीज़ चाहिए जो कॉस्टली है, तब तो आपको कॉस्ट देना होगा। लेकिन नॉर्मल इंटीरियर जो होता है, जो आम आदमी के लिए अच्छा है, कम बजट में है, तो 3 लाख से शुरू होता है। एक 2 BHK फ्लैट को 3 लाख से आप शुरू करके कर सकते हैं। हाँ, मतलब मेरा कहना, मैं अपने बात को रिपीट करता हूँ, 3-3.5-3.5 लाख तक आप कर सकते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है सर। और मतलब कुल मिलाकर इंटीरियर डेकोरेशन का जो काम होता है वो एक घर में जैसे माँ किया करती है कि सही जगह पे सामान को व्यवस्थित ढंग से रखें ताकि आराम से लोग आके बैठ सकते हैं, कोई गेस्ट आ जाते हैं तो मम्मी कैसे सजाने लगती है घर को किसी भी घर में, और बच्चे होते हैं या फिर जो बड़े लोग भी इधर उधर सामान रखते हैं। कुल मिलाकर ये है कि इंटीरियर डिज़ाइन में ये दिखाया जाता है कि कहाँ से कहाँ क्या चीज़ रखी जानी चाहिए जो बेहतर से बेहतर जगह बना सकती है और अच्छा लुक दे सके। सर ये कॉन्सेप्ट जो है इंटीरियर डेकोरेशन का, ये कैसे डेवलप हुई? बस अपने आपके सवाल में ही जवाब है सर, ये कॉन्सेप्ट माँ से शुरू हुआ। ये एक्चुअली सर हम लोग इंडियन हैं,
और इंडियन कल्चर में एक चीज सबसे कॉमन होती है, हम लोग अपने पापा मम्मी ग्रैंडफादर को फॉलो करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने उनको देखा है कि वो कैसे करते हैं, मेरी माँ कैसे करती है। तो मैंने ये देखा है, मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि घर में हम लोग जाते हैं खाने के टेबल पे, अगर हम लोग खाना खाने बैठते हैं तो सबसे पहले खाना जो माँ लाती हैं वो सारे चीज़ों को एक जगह सजा देती है। बस वही काम हम लोग करते हैं, आपके घर को कैसे सजाना है आपके साथ बैठ करके हम ये डिसाइड करेंगे। ये बहुत अच्छी बात है सर। और अब चाहेंगे सर कि एक मैसेज दें हमारे यूथ को जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, वो कैसे काम करें। सबसे पहला तो मेरा यूथ को ये मैसेज रहेगा कि यूथ से ही सारी उम्मीदें हैं। बिल्कुल सर, वो हमारे इंडिया के फ्यूचर हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। इंटीरियर माने के लिए जो नॉर्मल स्टडी का जो पैटर्न है उसमें करें, इंटरमीडिएट करने के बाद इसमें बहुत सारे स्ट्रीम्स हैं जहाँ पे आप जाके कर सकते हैं। भारत में बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो इंटीरियर डिज़ाइनिंग के लिए कोर्स करवाते हैं, आप वहाँ पे जाइए, इसके लिए एग्जाम्स भी होते हैं, उनके थ्रू आप वहाँ जा सकते हैं। एक बार आपने इंटीरियर डिज़ाइनिंग का कोर्स पूरा कर लिया तो मैं आपको एश्योर करता हूँ कि आपकी प्लेसमेंट के लिए आपके पापा मम्मी को वरीड नहीं होना, वरीड नहीं। क्योंकि क्या होता है कि जो चीज़ मास में अवेलेबल रहता है उसमें आपको जगह मिलने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। आज कहीं भी नया घर बन रहा है, इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, हमारा पॉपुलेशन एक लेवल से ज़्यादा चला गया जिसको अब स्टॉप करना भी जरूरी है, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। तो हर घर में इंटीरियर है, आप सोच सकते हैं कि आपका जो फील्ड है कितना बड़ा है। बहुत बड़ा है, जैसे एक आर्किटेक्ट की जरूरत हमेशा रहेगी, वैसे एक इंटीरियर डिजाइनर भी आर्किटेक्ट ही हैं। आर्किटेक्ट आप फर्नीचर के लिए करें या एक दीवार वाल के लिए करें, बात बराबर ही है, आपको उसमें उतनी ही एनर्जी लगानी पड़ेगी, उतना ही दिमाग लगाना पड़ेगा। इसलिए यूथ के लिए स्काई इज द लिमिट, उनके लिए सब कुछ खुला हुआ है, जिधर जाना चाहे जा सकते हैं। बिल्कुल, बस उनको अपने कैपेसिटी को, अपने कैपेबिलिटी को डे बाय डे बढ़ाते रहना है, नॉलेज अर्न करना है, ये थंब रूल है। आप अपने को नॉलेजेबल बनाइए और जिस तरह से एजुकेशन पैटर्न बोल रहा है वैसे आगे बढ़ते रहिए। इधर आना है तो बहुत सारा वैकेंसी, बहुत सारा जगह है जहाँ से आप पढ़ाई करके इस कोर्स को, इस काम को कर सकते हैं। तो कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं है, आप नॉर्मल पैटर्न से आगे बढ़ें। अगर आपको लगता है कि हम इंटीरियर में जाना चाहते हैं तो बहुत जगहों पे ऐसे आप कोर्स कर सकते हैं, इसमें अपना करियर बना सकते हैं। हाँ, इसके लिए हम एश्योर करते हैं अगर आप इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स करते हैं तो जॉब के लिए आपको बरिड नहीं होना पड़ेगा। बिल्कुल, इतना हम आपको एश्योर करते हैं। सारे क्षेत्रों में यही बात है, हमारा क्षेत्र बड़ा है। जैसे घर की बात हम लोगों ने की, घर में होगा, एक होटल बनेगा उसमें भी तो होगा, उसमें भी होगा सर, एक हॉस्पिटल बनेगा उसमें भी तो होगा, एक मेडिकल कॉलेज बनेगा उसमें भी होगा, एक इंजीनियरिंग कॉलेज बनेगा उसमें भी होगा, एक माइनिंग कॉलेज बनेगा, एक मैनेजमेंट की पढ़ाई कराने वाला कॉलेज कहीं बनता है ना, उसमें भी तो होगा। क्या आपको लगता है कि इसमें अपॉर्चुनिटी की कमी है? नहीं सर, लोगों को बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है इस फील्ड में अगर आगे बढ़ना चाहे। जी, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। अभी पहले हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब क्या है, आप कोई भी चीज़ बना रहे हैं तो उसके लिए आपको कुछ सर्टेन परमिशन चाहिए होता है। तो सब कुछ हो रहा है, इंटीरियर डिज़ाइनिंग के लिए आप जाएं और इसमें बहुत अच्छा करें। मेरी गुड विशेज है सारे यूथ्स के साथ जो लोग इसको करना चाहते हैं। बिल्कुल रंजीत सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया रेडियो खांची से जुड़ने के लिए, हमारे स्टूडियो आने के लिए और हमारे लिसनर से अच्छी अच्छी जानकारियाँ शेयर करने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। लिसनर्स हमारे साथ बातों बातों के इस सेगमेंट में बने हुए थे रंजीत कुमार, जो कि अमेज क्राफ्ट के रीजनल हेड हैं। आपको बता दूं कि रंजीत कुमार इंटीरियर एक्सपर्ट हैं। अब हमें यानी आरजे रंजन को दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो खांची 90.4 FM, हम सब का रेडियो। हम सब का रेडियो, हम सब का रेडियो।